सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द मैकेनिकल प्रधान चैनल। दोस्तों आज जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसको हम 3M के नाम से जानते हैं। आई नो डैट आप सभी बोलोगे मुरी मुरा मुदा, आई नो डैट ये बहुत इजी है, लेकिन भाई इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है वो आज हम क्लियर करने वाले हैं। वैसे अगर बता दूं तो हमारे चैनल पर फास्टनर इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी शेयर करी जा रही है। वो वीडियोज नहीं देखिए तो आई बटन पर लिंक दे रहा हूं, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। फास्टनर इंडस्ट्री से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। और मैं जैसा कि लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को लेकर के चल रहा था, तो आज भी लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को ही लेकर के चल रहा हूं, और आज हम क्लियर करने वाले हैं 3M का फुल कॉन्सेप्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है शैलेश प्रधान। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया, 3M को सभी लोग जो है बहुत इजी तरीके से जानते हैं, जिसको हम कहते हैं मुरी मुरा मुदा। इसके अलावा दोस्तों 3M की उत्पत्ति यानी कि ये बना कहां से, इसके साथ साथ इसके एबनॉर्मेलिटीज का, इसमें कौन कौन से एबनॉर्मेलिटीज होती हैं, ये सारी चीजें आज हम जानेंगे। बहुत इजी एग्जांपल के साथ समझेंगे, बहुत आप इजी तरीके से इसको जान सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों 3M होता क्या है। तो दोस्तों अभी बात कर लेते हैं कि 3M होता क्या है। तो भाई जाहिर सी बात है, मुरी मुदा और मुरा आप कह दोगे तो भाई वो तो है ही। इसके साथ साथ ये एक जापानीज वर्ड है, और इसको जो है टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम ने बनाया था। देखिए टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम द्वारा लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, काइजन, 5S, 4M, ये सारी चीजें जो है टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम द्वारा ही बनाई गई थी, और ये 3M भी टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम द्वारा ही बनाया गया था। अपने सिस्टम में विभिन्न प्रकार के वेस्टों को आइडेंटिफाई करना और इलिमिनेट करने का कार्य 3M करता है। TPS अपने सिस्टम में मुरी और मुदा का प्रकार जो है, वेस्ट का प्रकार जो है वो आइडेंटिफाई करता है। वेस्ट को आइडेंटिफाई और इलिमिनेट करना लीन मैन्युफैक्चरिंग और काइजन का मुख्य उद्देश्य है, लेकिन आज हम जो है 3M की सहायता से वेस्ट आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। तो देखिए दोस्तों जो 3M होते हैं, जिसमें पहला M होता है वो होता है मुरा। मुरा को हम कहते हैं इनबैलेंस यानी कि असंतुलन, या फिर अनइवननेस मतलब कि असमानता या असमता, फिर या फिर इरेगुलरिटी भी कह सकते हैं, या फिर इनकंसिस्टेंट भी कह सकते हैं। इनकंसिस्टेंट मतलब कि लगातार कार्य न होना, इसको मैं फुल कॉन्सेप्ट अभी बताने वाला हूँ। इसके अलावा दूसरा एम जो होता है उसको हम कहते हैं मुरी। मुरी का मतलब होता है कि ओवर बर्डन, मतलब कि अत्यधिक कार्य दे देना या अत्यधिक कार्य कराना, अनरिजरेबल, ये कोई रीजन के हिसाब से नहीं होता है। तीसरा होता है मुदा। मुदा का मतलब होता है कि वेस्टफुलनेस, मतलब कि फिजूल खर्ची किया जा रहा हो उसको जो है, वो जो है मुदा की कैटेगरी में आता है। चलिए आगे चल करके अभी बताते हैं। अब देखिए इमेज के हिसाब से हम समझते हैं। देखिए पहले इमेज में हम देख सकते हैं कि जो मुदा है उसमें वेस्टफुलनेस दिखाया जा रहा है। वेस्टफुलनेस कैसे है कि एक पूरी ट्रक है लेकिन उसमें केवल सामान ढोया जा रहा है, केवल एक बॉक्स, जो कि बिल्कुल वेस्टफुलनेस है। अब जाए तो भाई पूरा सामान जाए, ये एक ट्रक में एक छोटा सा डब्बा रखोगे तो ये तो फिजूल खर्ची ही है ना भाई, डीजल का खर्चा है, ड्राइवर का खर्चा, और जाएगा केवल एक सामान। उसके बाद दूसरा पिक्चर देखिए तो इसमें दिखा है इम्बैलेंस। इम्बैलेंस मतलब कि सामान तो जा रहा है, सही जा रहा है, लेकिन बैलेंस नहीं किया गया है। देखिए अभी एक्सीडेंट हो सकता है, काम रुक सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये सामान जो लोड है ट्रक पे वो गिर सकता है। आप देख सकते हो इस इमेज में इम्बैलेंस है, बैलेंस नहीं किया गया है इस सामान को। और तीसरा जो होता है मुरी। मुरी मतलब कि ओवरलोड। ओवरलोड में आप देख सकते हैं कि सारा सब कुछ बैलेंस तो किया गया है, लेकिन भाई इतना ओवरलोड डाल दिया गया है कि ट्रक जो है हो सकता है पंचर हो जाए, एक्सल टूट जाए, या फिर हो सकता है कि ट्रक पलट जाए। तो इस तरह जो है ये मुरी में ओवरलोड का काम आता है। अब इसमें देखिए दोस्तों दूसरे पिक्चर में आप देख सकते हैं यहां पर क्या है कि यहां पर देखिए दोस्तों मुरी में क्या है कि हमने ओवर बर्डन डाल के रखा हुआ है। ओवर बर्डन में देखिए दोस्तों एक ही वर्कर पर जो है 4 बाल्टी जो है पानी उठाने को दे दिया गया है, तो यहां पर जो है ओवर बर्डन एक वर्कर पे पड़ रहा है। वही देखिए दोस्तों दूसरा है मुरा। मुरा मतलब कि अनइवननेस। अनइवननेस मतलब देखिए दोस्तों बाल्टी 2 उठानी है, लेकिन वर्कर ने क्या किया है कि एक तरफ भारी बाल्टी उठाया और एक तरफ हल्की बाल्टी उठाया। अब भाई इस तरह तो बैलेंस इक्वल होगा नहीं, तो बाल्टी एक तरफ ही, बाल्टी जो है एक तरफ ही गिर जाएगी। तीसरा है मुदा। मुदा मतलब वेस्ट। देखिए दोस्तों पानी गिराया जा रहा, पानी भरा जा रहा है, लेकिन पानी भरते समय जो है बाल्टी में छेद है, पानी कितना भी भरोगे वो तो वेस्ट ही जा रहा है ना, गिरता जा रहा है। तो ये हो गया मुदा, इमेज के हिसाब से आपको बताया जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों वहीं अगर दूसरे इमेज में देखा जाए तो देखिए दोस्तों मुदा। मुदा में क्या है कि ट्रक से जो है थोड़ा बहुत कचरा जो है इधर उधर गिराया जा रहा है, जो कि नॉर्मल किसी और तरीके से भी इसको गिराया जा सकता था, थोड़ा सा कचरा। वहीं अगर मुरी में देखिए दोस्तों तो 2 ही वर्कर पर बहुत ज्यादा लोड डाल करके रखा गया है, और मुरा में देखिए दोस्तों तो एक ही वर्कर पर लोड तो दिया गया है लेकिन जो है वो बैलेंस में नहीं है, एक तरफ जो है बहुत ज्यादा भारी है और एक तरफ जो है हल्का है, जिसकी वजह से वर्कर जो है अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है। अगले फोटो में देख सकते हैं दोस्तों मुदा में एक आदमी पर बहुत हल्का सा काम देकर के रखा गया है, और वहीं अगर मुरा में देखा जाए तो 2 बोरियां तो उन्होंने लेकर के रखा है एक बंदे ने, लेकिन एक बहुत भारी है और एक बहुत हल्का है,
और तीसरा मूरी में आप देख सकते हैं दोस्तों कि ओवरबर्डन, एक ही वर्कर पर बहुत ज्यादा लोड डाल करके रखा गया है। तो आई होप कि आपको मूरी, मुरा और मुदा का तो कॉन्सेप्ट समझ में आ ही गया होगा 3M का। दोस्तों ये मुदा जो है ना, लास्ट में हमने टीम वुड की वीडियो बनाई थी। टीम वुड वाली वीडियो नहीं दिखी तो आई बटन पे लिंक दे रहा हूँ, वो भी वीडियो जाकर के देखिए या डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। टीम वुड ही मुदा के अंदर ही जो है टीम वुड, 7 तरह के वेस्ट जो होते हैं, 7 तरह की जो एबनॉर्मेलिटीज होती हैं, वो मुदा के ही अंदर आती है। तो टीम वुड के नाम से जिसे जाना जाता है, तो ये जो वेस्ट है उस पर मैंने पूरी एकदम फुल एक कॉन्सेप्ट वीडियो बनाई है, वो वीडियो आप देख सकते हैं, आई बटन पे लिंक है। तो आज के लिए बस वीडियो इतनी थी। अच्छी लगी हो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए।